हेलो एवरीवन, आज पीजामा नाइट है मेरी बहनों के साथ। तो मैं गार्डन में हूँ कुछ वेजिटेबल्स लेने के लिए, और मेरा बेटा गार्डन को साफ कर रहा है ताकि हम खाना गार्डन में खाएंगे। ये रात मेरी बहनें, मेरी भतीजी और मेरी भाभी के लिए है, तो मेरा बेटा को अपने कजन के घर में जाएगा। आज का मेन्यू है वेजिटेबल किश, राइस सलाद, कुछ पेपर और रोस्टेड चिकन मोरक्कन अंदाज से। पलक और हमने हरीरा से शुरू कर लिया, और मैंने भी डेसर्ट कर लिया, और वो भी स्वीट कुसकुस है कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ। दूसरा डेसर्ट है केटो आइसक्रीम, एक वनीजा की और एक स्ट्रॉबेरी का। और ये हमारा ब्रेकफास्ट है क्योंकि वो सब मेरे घर में सो गए हैं। तो चलिए हम साथ साथ खाना पकाएंगे। और हरीरा करने के लिए हमें चार प्याज, थोड़ा सा जुकीनी, अजमूद और धनिया, गाजर, चार टमाटर, कुछ सेलरी, आधा सेलरी, चिकन, और स्पाइसेस में हम नमक, काली मिर्च, हल्दी, दालचीनी और अदरक, यहाँ थोड़ा सा केसर, और ये भाई दालचीनी। वाला पहले तो हम चिकन डालेंगे प्याज के साथ। ओके, अभी तो मैंने चिकन निकाल दिया क्योंकि वो तकरीबन तैयार है, कुक है। हम बाद में वापस डालेंगे जब हमारी हरीरा तैयार होगी। तो ये सेलरी है, ये सब वेजिटेबल हम डाल सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और बंद कर देंगे प्रेशर कुकर में। ये तो सेलरी, अजमूद और धनिया जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया, और ये जब हरीरा तैयार होगी तब हम ये डालेंगे और फिर बंद करेंगे सब कुछ। अभी तो हम गर्म पानी डालेंगे और एक घंटे तक पकाएंगे। क्योंकि मेरी बहन केटो डाइट में है तो मैंने फ्लोर नहीं कर लिया, मैंने सिलियम रख दिया मेरी हरीरा पे। पानी डालेंगे, थोड़ा सा सिलियम, टमाटर पास और चिकन, और अभी सब कुछ 10 मिनट तक पकाएं, फिर फिनिश्ड। हम ब्रोकली स्टीम में पक देंगे। अभी तो मैं आइसक्रीम को की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये केटो आइसक्रीम। हम एक वनीजा के साथ करेंगे और दूसरी वाली स्ट्रॉबेरी। हमारे दो फ्लेवर का आइसक्रीम रेडी है, और अभी हम इसको एक कूलर में रख देंगे ताकि वो ठंडी हो जाए। और अभी चिकन की तैयारी। तो चिकन तो मैंने 5 प्याज ले लिया, अजमूद और धनिया, और 4 गार्लिक।
ओके दोस्तों, यहाँ प्याज, गार्लिक और अजमुद और धनिया, और अभी हम 3 छोटे चम्मच नमक डालेंगे, 2 अदरक, 1 काला मिर्च, हल्दी 2, थोड़ा सा रंग और थोड़ा सा दालचीनी और जैतून का तेल, बस। तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। और ये मेरे स्पिनक के लिए मैंने ज्यादा गार्लिक रख दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ये गार्लिक है और थोड़ा सा प्याज, अजमूद और धनिया के साथ, और मैं थोड़ा सा हल्दी ऐड करूंगी, अदरक, काला मिर्च, सॉरी मैं अपने हाथों से इसे काम कर रही हूँ, सो, और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च और जीरा पाउडर। और अभी हम स्पिनच डालते हैं, 20 मिनट तक पक जाए, फिर थोड़ा सा काले जैतून डालेंगे और बस। और अभी हम कुसकुस का डेसर्ट करेंगे, तो हमने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा दालचीनी डाल दिया, बस अभी हम उसको पकाएंगे। कल मैंने सुलेमान के साथ चावल खा लिया और थोड़ा सा रखा, तो मैंने उसको सलाद कर लिया आज। देखो, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा अजमूद, धनिया, टूना और हरी मिर्च भी, बस। और थोड़ा सा विनेगर और जैतून का तेल और नमक और काली मिर्च। अब हमारा डिनर तैयार है, अब हम साथ साथ खाना पकाएंगे, फिर बात करेंगे और खेलेंगे और सारी रात हंसेंगे। इतना मजा आया, जैसे कि आप देखते हैं ये मेरी भतीजी है, वो हेल्प के लिए पूछती है, और ये मैं हूँ, मैं एक मैसेज छोड़ देती हूँ मेरी माँ को, वो मोरक्को में है, तो हमने एक वीडियो कर लिया उसके लिए। हम सुबह के 5 बजे तक जगे थे और फिर हमने एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट ले लिया साथ साथ, मेरे साथ ही मेरी बहनें, मेरी भाभी और मेरे 6 भतीजी, तो हम बहुत से ज़्यादा थे उस दिन, और बहुत अच्छा गुजरा। दोस्तों, मैं बता रही थी कि मैंने केतो खाना पका लिया, क्योंकि मिमी है ना, वो डाइट में है, ये उसकी पहली वीडियो है डाइट से पहले। उसने 2 महीनों में 12 किलो खो दिया, जैसे कि आप देखते हैं, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ वीडियोस। और ये उसका खाना जो वो हर दिन खाती है, तो इट्स रियली केतो डाइट। यहाँ आप कुछ रेसिपीज देख सकते हैं जो वो हर दिन खाते हैं, और हाँ, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रही है, तो वो दिन में नहीं खाती, वो सिर्फ एक बार खाती है दिन में। और हाँ, वो स्पोर्ट भी कर रही है, मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइजेस यहाँ रख दिया वीडियो पे, तो वो साइकिलिंग करती थी और रन, शी वॉज रनिंग अ लॉट,
और मैं भी उसके साथ एक बार गई थी स्पोर्ट करने के लिए। और हाँ, और दूसरी तरीका का स्पोर्ट वो है घर की सफाई, जैसे कि आप देखते हैं, ये भी स्पोर्ट है। गो 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 मिमी गो। और उस दिन में बहुत ठंडी थी, मैं उसके पास आई थी। मिमी ने उसके बैग 10 किलो आधा कर लिया स्पोर्ट करने के लिए। यहाँ मिमी बता रही है कि आप खुद ये टेस्ट जरूर करना पड़ेगा कि कुछ किलो आधा अपने बैग में रख दे ताकि ये स्पोर्ट ज्यादा ठीक और ज्यादा अच्छा रहेगा। हर कसम से बरी है कसम प्यार की, मर के भी इस कसम को ना तोड़ेंगे हम, छोड़ देंगे जमाने की सारी खुशी।